हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप घर में होंगे और मजे में होंगे। बच्चों, मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर में हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या है देख लेते हैं। तो पीछे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे फॉर्मूले। तो बच्चों, टोटल 10 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, आज हम इन पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक फॉर्मूले को हम रीड कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इंटीग्रल डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। फोर्थ स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। नेक्स्ट, नंबर फाइव स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इंटीग्रल डीएक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग मॉडुलस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। नंबर सिक्स है इंटीग्रल डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। सेवन्थ नंबर है इंटीग्रल डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। एट नंबर है इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स होता है एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय। नंबर नाइन, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डीएक्स होता है एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। और लास्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डीएक्स इक्वल टू एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बच्चों, एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। टोटल 10 स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। अगर आपको आगे का वीडियो समझना है, अच्छे समझना है, तो ये 10 फॉर्मूले पहले याद कर लो, रट लो, इतने अच्छे से रट लो कि कोई भी आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछे तो आपको आंसर यही देना है, ये वाला पूछे तो आंसर यही देना है, ये वाला पूछे तो आंसर यही देना है। तो आगे का वीडियो देखने से पहले आप वीडियो अभी पॉज कर दे और ये 10 फॉर्मूले पहले रट ले, खा जाए, अच्छे से इसको मेमोराइज कर ले, ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इन फॉर्मूले पे, इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पर ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए बच्चों, करते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो करते हैं वन बाय वन। तो पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आप आई सपोज कर लीजिए। तो लेट आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन फोर एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन। बच्चों, अगर आप इन 10 फॉर्मूले को ध्यान से अगर देखें तो इन 10 फॉर्मूले में एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 है। जी हाँ बच्चों, इन 10 फॉर्मूले में एक बात निकल कर आती है कि जितने भी 10 फॉर्मूले हैं, इन 10 फॉर्मूले में एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 है। जी हाँ बच्चों, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 है, आप देख लीजिए। तो बच्चों, आपको पहला काम ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आए उसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 बनाना है। तो बच्चों,
बच्चों यहाँ पर कोफिशियंट 1 बनाना है। अभी आपको 4 दिख रहा है तो आप 4 कॉमन ले लीजिए। जी हाँ बच्चों, आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 4 चला जाएगा तो बचेगा x स्क्वेयर, और इसके पास 4 नहीं है, जिसके पास नहीं होता उसके डिवाइड में आ जाता है। जी बच्चों, इसके पास नहीं है तो इसके अपॉन में 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9/4। होप ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो आपका पहला टास्क है कि क्वेश्चन में x स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 बनाना है। देखिए यहाँ पर कोफिशियंट 4 है तो आपको इसको 1 बनाना है, तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो। अगर आप 4 कॉमन ले लोगे तो 4 हट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वेयर। तो देखिए x स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या आ गया 1, और यहाँ पर तो 4 नहीं था तो इसलिए 9 के अपॉन में क्या आ गया 4। ठीक है बच्चों, अब 9/4 को हम क्या लिखेंगे? तो बच्चों सोचिए, 9/4 को हम लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वेयर। 9/4 को हम क्या लिखेंगे? 3/2 का होल स्क्वेयर। अब आप बताइए इन 100 फॉर्मूले में से कौन सा लग रहा है फॉर्मूला? देखिए बच्चों कौन सा लग रहा है फॉर्मूला? जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला नंबर 4 लग रहा है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला नंबर 4। तो बच्चों इसमें लग रहा है फॉर्मूला नंबर 4, तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, मतलब ये हो गई a की वैल्यू। तो बच्चों आपको उस फॉर्मूले में a की जगह 3/2 रखना है। तो बच्चों मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में फॉर्मूला मेंशन जरूर करना। अभी यहाँ लिखा हुआ है तो बच्चों यहीं से देख लो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4 तो ऑलरेडी चल रहा है, 1/4 तो ऑलरेडी चल रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3/2। आगे क्या है बच्चों? आगे है log मॉडुलस x माइनस a, तो x माइनस a, और a की वैल्यू कितनी है? 3/2 अपॉन x प्लस a, a की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, तो आ गया 1/12, और यहाँ एलसीएम ले लो 2 आएगा, यहाँ भी एलसीएम ले लो 2 आएगा, 2 आपस में कट जाएगा। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आया 2x-3 अपॉन 2x+3, और लास्ट में क्या लिखेंगे? प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला। जी हाँ बच्चों, इसका सेकंड वाला करते हैं। तो करते हैं बच्चों सेकंड वाला। चलिए बच्चों अब हम करते हैं फर्स्ट का सेकंड वाला। तो फर्स्ट का सेकंड वाला, सबसे पहले इसको हम आई मान लेते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा। जी बच्चों दो मेथड से करवाऊंगा, एक मेथड 1 और एक मेथड नंबर 2। मेथड 1 ये है, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, शायद आपके पास अभी भी लिखा होगा, अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आए तो हम डिवाइड करते। जी हाँ बच्चों, हम क्या करते हैं? डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला? q+r/d। बच्चों होप आपको ये नोट याद होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा है। तो बच्चों क्या लिखा है? अगर ऊपर की पावर इक्वल आए या बड़ी आए, दोनों में से कोई भी एक हो, तो यहाँ पर पावर इक्वल आए, तो बच्चों यहाँ पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, इसका मतलब पावर इक्वल है। अगर ऊपर की पावर इक्वल आए तो हम डिवाइड करते हैं। जी हाँ बच्चों, हम इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए। तो जो नीचे वाला है वो बाहर आएगा, क्योंकि उससे हमें डिवाइड करना है, और जो ऊपर वाला है वो अंदर आएगा। तो बताइए बच्चों किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो 1 का इंटू करो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4, साइन चेंज कर दो, कैंसल, तो यहाँ आएगा 4। बच्चों इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं डी। डिवाइड करने के बाद बच्चों ये वाला लगाना है फॉर्मूला, तो लगा देते हैं बच्चों। इक्वल टू में आई चल रहा है, इक्वल टू में आई चल रहा है, और फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है q+r/d। अब वैल्यूज रख दीजिए,
तो बच्चों क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू तो 1 है, आर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 4 है, और डी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब इंटीग्रल सेपरेट कर लो, इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 dx और ये 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और 4 को क्या लिखेंगे बच्चों, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वेयर। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन तो पूरी दुनिया को मालूम है तो आपको भी मालूम होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और ये 4 तो बाहर चल रहा है। और बच्चों बताओ इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, देख लीजिए इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर 4। जी हाँ बच्चों इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4 तो लगा दीजिए। तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, 1/2a, क्या है बच्चों 1/2a, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है। जी हाँ बच्चों 2 स्क्वेयर है ना, तो a की वैल्यू नीचे वाली हुई, तो a की वैल्यू क्या हुई 2, तो a की जगह 2 रखेंगे। आगे क्या है, आगे log मॉडुलस x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, और बच्चों ये 4 से 4 क्या हुआ कैंसल, और लास्ट में लगा दो प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब हम इसी क्वेश्चन की मेथड नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो देखिए मेथड नंबर 2 क्या है बच्चों, मेथड नंबर 2 दिमाग वाले बच्चों की है, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है वो मेथड नंबर 2 ही करते हैं। जी हाँ बच्चों मेथड नंबर 2 उन बच्चों के लिए है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनके पास यथा दिमाग होता है। जी हाँ बच्चों, तो अब हम करते हैं मेथड नंबर 2। तो बच्चों मेथड नंबर 2 में क्या करना है, ध्यान से देखो नीचे क्या लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ऊपर क्या लिखा है एक्स स्क्वेयर। अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस 4 आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर तो ऊपर है ही ना, बस नीचे एक्स्ट्रा माइनस 4 आ रहा है। तो आप बस दिमाग लगाओ, यहाँ पर आप 4 माइनस कर दो और 4 प्लस कर दो, खेल लग गए। अब सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जी हाँ बच्चों यहाँ दिमाग ये लगाया कि ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही तो है, बस यहाँ एक्स्ट्रा माइनस 4 आ रहा है। तो आप ये दिमाग लगाओ क्यों ना हम ऊपर माइनस 4 प्लस 4 कर दे, अगर ऐसा कर देंगे तो इस सवाल के खेल लग जाएंगे, क्योंकि अब ये सवाल खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हम सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद तो खत्म ही हो गया सवाल। तो बच्चों सेपरेट करेंगे तो इसके अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में ये आएगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4, और ये टर्म आपस में कैंसिल। अब ये 1 बचा तो 1 का इंटीग्रल सेपरेट कर लो, इधर 4 बाहर और इधर dx अपॉन एक्स स्क्वेयर, और 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पिछला ही क्वेश्चन बन गया, पिछले ऐसे ही आ गया मेथड 1 जैसा, इसके बाद आप कर लेना आंसर आ जाएगा। होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें 3 क्वेश्चन करना है, तो इसमें मैं बच्चों फर्स्ट करवाऊंगा और थर्ड सेकंड वाला होमवर्क है। तो करते हैं बच्चों फर्स्ट नंबर, तो पहले तो इसको आई सपोज कर लो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आई सपोज कर लो, अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों लॉजिक क्या बताया था मैंने, कोई भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 बनाना है। आप सारे फॉर्मूले देख लो, सारे फॉर्मूले में एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या है 1, तो आप लिख लो हमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 बनाना है। जी हाँ बच्चों एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट हमें क्या बनाना है 1, रट लो, ठीक है रट लो, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या बनाना है 1। क्यों बनाना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले में एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या है 1। तो पहला टास्क यही है, कोई भी क्वेश्चन करो इस लेक्चर का, कोई भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कोफिशियंट 25 है और आपको यहाँ पर 1 बनाना है, तो आप 25 कॉमन ले लो। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर रूट नहीं होता, अगर रूट नहीं होता और 25 कॉमन लेते तो बाहर 25 आया था, लेकिन यहाँ पर रूट है, इसका मतलब अगर आप 25 कॉमन लोगे तो 25 का रूट कॉमन आएगा और 25 रूट के बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा। आया समझ में, वापस समझा देता हूँ, अगर यहाँ रूट नहीं होता, अगर यहाँ रूट नहीं होता और आप 25 कॉमन लेते तो बाहर 25 ही आता ना,
लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में तो रूट है ना बच्चों, इसका मतलब अगर आप 25 कॉमन लोगे तो वो 25 रूट में रहेगा, और 25 रूट के बाहर जाएगा तो 25 से क्या हो जाएगा 5। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ अगर आप 25 कॉमन लेते हो तो 9 के अपॉन में क्या आएगा 25। जी हाँ बच्चों, 9 के अपॉन में क्या आएगा 25, और यहाँ 25 कॉमन ले तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर। अब बच्चों बताओ 9/25 को हम क्या लिखे, 9/25 को क्या लिखे कि ये स्क्वेयर में आ जाए, तो हम लिखेंगे 3/5 होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बच्चों बता दीजिए इन सब में से कौन सा लगेगा फॉर्मूला, बताइए बच्चों इन सब में से कौन सा लगेगा फॉर्मूला, मुझे तो दिख गया है आप भी बता दीजिए। तो बच्चों इन सब में लगेगा फॉर्मूला नंबर 1। अब कैसे लगता है आप ध्यान से देखें, वहाँ पर लिखा है अंडर रूट, यहाँ पर भी लिखा है अंडर रूट, यहाँ लिखा है ए स्क्वेयर, इसका मतलब ये ए बन जाएगा, तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, वहीं से देख के बता रहा हूँ, एग्जाम में आप जरूर लिखना। तो बच्चों बताओ फॉर्मूला है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5, और 5 को ऊपर ले जाओ तो आएगा 1/5 साइन इनवर्स, और 5 ऊपर जाएगा तो आएगा 5x/3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला, तो पढ़ लीजिए बच्चों थर्ड वाला। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर ऊपर की पावर इक्वल आ जाए तो हम डिवाइड करते हैं। जी बच्चों हम इसमें डिवाइड करेंगे, अब हम कर रहे हैं थर्ड वाला। तो पहले इसको आई मान लो बच्चों, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अगर ऊपर की पावर इक्वल आ जाए तो हम डिवाइड करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे, तो 9x² + 5 बाहर आएगा, 2x² + 1 नीचे आएगा। बच्चों दिमाग लगाओ इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, दिमाग लगाओ इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 का, अगर हम 2/9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कट जाएगा तो बचेगा 2x². तो बच्चों आया समझ में, मैं वापस रिपीट कर दूं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करो 2x² आ जाए, तो आंसर है 2/9। क्या आंसर है 2/9। अब 2/9 का मल्टीप्लाई करो तो 2/9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 कट जाएगा 2x² आएगा, और यहाँ 2/9 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 10/9। अब साइन चेंज कर दो तो 2x² कट जाएगा और यहाँ आएगा 1 - 10/9, 1 - 10/9 होता है -1/9, ठीक है। तो बच्चों इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं, इसको D बोलते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें लगाना है ये वाला फॉर्मूला Q+R/D वाला। अब सारी वैल्यू रख दो तो Q की वैल्यू कितनी है 2/9, R की वैल्यू कितनी है -1/9, और D की वैल्यू कितनी है 9x² + 5। अब इंटीग्रल सेपरेट कर लो, तो बच्चों इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो 2/9 का इंटीग्रल अलग करेंगे, माइनस का 1/9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आएगा dx/9x² + 5। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है 2/9x, और बच्चों यहाँ पर हमको कोफिशिएंट 1 बनाना है तो हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। अगर आप 9 कॉमन लोगे तो बाहर 9 ही आएगा, यहाँ रूट नहीं है, तो 9 कॉमन लिया तो बाहर 9 आएगा, 9 × 9 होता है 81। और बताओ अंदर अगर आपने 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x², और यहाँ 9 कॉमन लिया तो 5 के अपॉन में क्या आएगा 9। ठीक है बच्चों, तो ये वाला तो इंटीग्रल हो चुका है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों आगे लिखते हैं। तो ये वाला तो इंटीग्रल हो चुका है, इस साइड i चल रहा है 2/9x, ये हो गया 1/81, और यहाँ आएगा dx/x² + बच्चों 5/9 को स्क्वेयर के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों बताओ 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे √5 और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वेयर। तो 5/9 को स्क्वेयर के फॉर्म में लिखेंगे √5/3 का होल स्क्वेयर। होप समझ में आ गया होगा।
फाइव को क्या लिखेंगे बच्चों, रूट फाइव, और नाइन को लिखेंगे थ्री, तो हो गया रूट फाइव बाय थ्री का होल स्क्वायर। अब बच्चों बताओ इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, मुझे तो दिख गया है, आपको भी दिख जाना चाहिए। इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर सेकेंड, इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर सेकेंड, तो फॉर्मूला नंबर सेकेंड लगा दो तो आएगा टू बाय नाइन एक्स माइनस वन बाय एट्टी वन, और इसका फॉर्मूला होता है वन बाय ए। वो लिखा क्या फॉर्मूला होता है वन बाय ए, और ए की वैल्यू कितनी है रूट फाइव बाय थ्री, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, और ए की वैल्यू कितनी है रूट फाइव बाय थ्री। तो बच्चों थ्री से एट्टी वन कैंसिल तो ट्वेंटी सेवन आएगा, तो यहाँ पर आ गया टू बाय नाइन एक्स, यहाँ पर आ गया वन बाय ट्वेंटी सेवन रूट फाइव, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आएगा टेन इनवर्स थ्री एक्स अपॉन रूट फाइव, और लास्ट में लगाएंगे प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें हमें दो क्वेश्चन करना है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों पहले तो आप इसको आई सपोज कर ले। अब आप बताएं ये टू कहाँ जाएगा, ये टू जाएगा पावर में, और ये वाला टू भी जाएगा पावर में। तो ये टू पावर में गया तो बच्चों आएगा e की पावर log x स्क्वेयर प्लस वन, और नीचे आएगा e की पावर log x स्क्वेयर माइनस वन। अब बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, मैंने लिखवाया भी है, अगर e की पावर में log x होता है तो आंसर x आता है, मतलब e और log आपस में कट जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर e और log कट जाएगा तो क्या आएगा, ये बच्चों e और log कट गया तो x स्क्वेयर आएगा x स्क्वेयर प्लस वन, यहाँ भी e और log कट जाएगा तो आएगा x स्क्वेयर माइनस वन। बच्चों इसके बाद तो आपको आता ही होगा क्योंकि यहाँ पावर इक्वल आ गई है, तो इसके बाद डिवाइड करना है। तो बच्चों इसके बाद आप कर लेना इसके बाद का होमवर्क है। बच्चों ये जो सेकंड वाला है ये भी होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी हिंट बता रहा हूँ। बच्चों ये वाला भी होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी हिंट ये है कि मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेक्चर टू में करवाया, तो आप लेक्चर टू को ढूंढिए, लेक्चर टू को ढूंढिए क्या, लेक्चर टू को देखिए और इस टाइप का एक क्वेश्चन ढूंढिए। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो समझ लो ये वाला होमवर्क भी बन जाएगा। तो ये हिंट मैंने आपको दे दी है, होप आपको ये हिंट समझ में आ गई होगी। वापस से रिपीट कर दूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लेक्चर टू में करवाया है, तो आपको लेक्चर टू के वीडियोस देखना है और इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढना है। अगर मिल जाता है तो उसी के जैसा ये वाला ट्राई करना बन जाएगा, तो ये हिंट दे दिए। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें हमें तीन क्वेश्चन करना है। तो बच्चों मैं फर्स्ट और थर्ड करवाऊंगा, ये सेकंड वाला होमवर्क है। इसकी हिंट बता दूं, जैसा मैं फर्स्ट में करूं वैसा इसमें कर देना, तो ये वाला भी बन जाएगा। तो बच्चों करते हैं फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले तो इसको आप आई मान लीजिए। बच्चों आप मुझे बताइए ए की पावर सिक्स को क्या लिखेंगे। जी हाँ बच्चों, ए की पावर सिक्स को लिखेंगे ए क्यूब का होल स्क्वायर। वैसे ही एक्स की पावर सिक्स को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों एक्स क्यूब को टी पुट कर लो, एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा। तो हम अब यहाँ लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों अब हम यहाँ लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताई थी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, क्वेश्चन में से किसी को टी मानते हैं, तो हमने एक्स क्यूब को टी माना। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वेयर, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, और ये थ्री अपॉन में आ जाएगा और हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा डी टी अपॉन थ्री। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इन दोनों की जगह हम रखेंगे डी टी बाई थ्री, तो वन बाय थ्री बाहर, डी टी अंदर, और अंडर रूट में क्या आएगा, एक क्यूब का होल स्क्वायर, एक क्यूब का होल स्क्वायर माइनस, और एक्स क्यूब को हमने टी रखा है, एक्स क्यूब को टी रखा है, तो यहाँ आएगा टी स्क्वेयर।
अब बच्चों बता दीजिए कौन सा लगेगा फॉर्मूला, मुझे तो दिख गया है, तो बच्चों लगेगा फॉर्मूला नंबर वन। देख लीजिए यहां पर लिखा है a का स्क्वायर, यहां पर लिखा है a क्यूब का स्क्वायर, तो हमारी a की वैल्यू आ गई a क्यूब, क्योंकि यहां a क्यूब का स्क्वायर लिखा है, माइनस टी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, इसी के इक्वल टू में लिख देता हूँ, तो आएगा इक्वल टू में चल रहा है, आगे चल रहा है 1/3, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बच्चों यहाँ पर एक्स था तो एक्स आएगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी आएगा, और टी के अपॉन में क्या आएगा बच्चों, ए, और बच्चों यहाँ पर ए है तो ए आ रहा है, और यहाँ ए की जगह कौन है, ए क्यूब है, तो यहाँ पर आएगा ए क्यूब, और अब टी की वैल्यू रख दो तो टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/3 साइन इनवर्स, और टी की जगह रखा एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस सी। होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला होमवर्क है बच्चों, इसी की देखी देखा देखी कर लेना। अब हम करते हैं थर्ड वाला, तो बच्चों अब हम करते हैं थर्ड वाला, तो पहले तो इसको आप आई मान लो, अब हम करते हैं थर्ड वाला, तो बच्चों पहले तो आप इसको आई मान लो। अब सभी को पता है 1 + tan² x का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 10th क्लास का, 1 + tan² x का होता है sec² x, और अपॉन में चल रहा है √1 - tan² x। अब बच्चों अपने को लाना है sec² x dx, तो सोचिए किसको टी मानेंगे, जी हाँ बच्चों टेन एक्स को, ओनली टेन एक्स को टी मानेंगे, जी हाँ बच्चों किसको टी मानेंगे, ओनली टेन एक्स को टी मानेंगे, तो टेन एक्स को टी मान लो, तो आएगा sec² x dx dt। तो बच्चों वैल्यूज पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बताइए ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा √1 - t² और बच्चों ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है साइन इनवर्स t का, जी बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी का, और लास्ट में टी की वैल्यू रख दो तो टी की वैल्यू क्या है टेन एक्स, तो आगे आंसर साइन इनवर्स टेन एक्स प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो आप हिंट सुन लीजिए देख लीजिए, इसमें आप साइन एक्स को टी रख देना आपका काम हो जाएगा। जी हाँ बच्चों मैंने इसकी हिंट दे दी है, साइन एक्स को टी रख देना, कॉस एक्स डी एक्स मिल जाएगा, फिर आप 9 कॉमन ले लेना और इसमें से जो फॉर्म लग रहा है लगा देना। अब करते हैं बच्चों सेकंड वाला, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, उसको पहले आई मान लो। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं सेकंड वाला, डी एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। बच्चों ई की पावर माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 / e^x। अब एलसीएम ले लो, जी बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ई की पावर एक्स, इसका इंटू इससे होगा, तो e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बच्चों आएगा e की पावर x dx अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों इसके बाद भी इजी हो चुका है, अब आप e की पावर x को t रख दो, अगर आप e की पावर x को t रखते हो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x और x का dx और t का dt। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, तो बच्चों बताओ ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आएगा i इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखा, इसकी जगह रखा dt, और यहाँ आएगा बच्चों टी स्क्वेयर प्लस 1। बच्चों ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 + x² 1/1 + x² ये किसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x का, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये किसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x का, तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स t, क्योंकि ये t में चल रहा है तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स t, और लास्ट में t की वैल्यू रख दो तो t की वैल्यू कितनी है e की पावर x प्लस c।
तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में पहले उसको आई मान लो, तो आई सपोज किया तो क्या आएगा, कॉस 2x साइन 2x 9 माइनस, बच्चों कॉस की पावर 4 है, तो बताइए 4 को हम कैसे तोड़ेंगे। 4 को तोड़ेंगे कॉस स्क्वेयर 2x का होल स्क्वेयर dx। ठीक है बच्चों, अब हम कॉस स्क्वेयर 2x को t मानेंगे। अब हम कॉस स्क्वेयर 2x को t मानेंगे, तो बताइए बच्चों अगर आपने इसको t माना, तो t मानने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आ गया जाएगा, तो 2 cos 2x, फिर cos 2x का होगा माइनस साइन 2x dx और t का dt, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो माइनस साइन उधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो cos 2x साइन 2x dx आएगा माइनस dt बाय 2। अब ये सारी वैल्यूज रख दीजिए, तो बच्चों बताओ सारी वैल्यूज रखेंगे तो ऊपर आएगा माइनस dt बाय 2, तो माइनस 1 बाय 2 बाहर, और आएगा ऊपर अकेला dt, और नीचे आएगा 9, और 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वेयर, और इसको तो हमने t माना है, इसको हमने t माना है, तो इसकी जगह t रख देंगे। अब बच्चों बता दीजिए कौन सा लगेगा फॉर्मूला, इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर 1। जी बच्चों, इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, पहला वाला। तो बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है माइनस 1 बाई 2, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और एक्स की जगह क्या रखेंगे टी, तो आएगा टी अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी है 3। जी बच्चों ए की वैल्यू 3 है, और लास्ट में टी रख दो, तो टी कितना है कॉस स्क्वायर 2x, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स, और टी कितना है कॉस स्क्वेयर 2x अपॉन 3 प्लस सी। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन कठिन है। जी बच्चों तीनों क्वेश्चन कठिन है, ये भी कठिन, मतलब इन तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रटके जाना है। तो बच्चों तीनों क्वेश्चन पर ट्रिपल स्टार लगा लो, मतलब इन तीनों में ध्यान रखना है, मतलब कुछ ना कुछ आपको याद करके जाना है। तो चलिए बच्चों, और ये तीनों क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले इसको आई मान लो, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में आपको रटना है, जी हाँ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रट के जाना है, एक्स माइनस अल्फा को टी स्क्वेयर मानना है। क्या मानना है, एक्स माइनस अल्फा को टी स्क्वेयर मानना है। तो बच्चों अब करो इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आएगा डी एक्स अल्फा का 0 और टी स्क्वेयर का 2t dt। ठीक है, और एक काम और करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वेयर प्लस अल्फा। अब ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो बच्चों बताओ ऊपर क्या चल रहा है, dx, और dx की वैल्यू क्या है, 2t dt अंडर रूट में चल रहा है x माइनस अल्फा, और x माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, टी स्क्वेयर, और यहाँ चल रहा है बीटा माइनस एक्स। तो बताओ x की वैल्यू क्या है टी स्क्वेयर प्लस अल्फा, वो बाहर माइनस है, तो माइनस का इंटू करेंगे, तो माइनस का टी स्क्वेयर माइनस का अल्फा। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ ये टी स्क्वेयर बाहर आएगा, टी हो जाएगा, तो टी से टी कट जाएगा, समझ में आया, क्योंकि ये टी स्क्वेयर है, तो अंडर रूट के बाहर आया तो टी होगा ना, और टी से टी कैंसिल। अब इसको जमा के लिख दो, तो जमा के लिखेंगे तो 2 बाहर, ऊपर आएगा डी टी, और नीचे अंडर रूट में आएगा
बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ बीटा माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? जी हाँ बच्चों, बीटा माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, माइनस में चल रहा है टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप बता दो कौन सा लगेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर वन लगेगा, क्योंकि हम इस पूरे को ए बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? ए। तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो लगेगा पहला वाला फॉर्मूला। और बच्चों पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स की वैल्यू क्या है? टी। और ए की वैल्यू क्या है? अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। और यहाँ पर टी पुट कर दो, तो बच्चों टी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये टी स्क्वेयर है, ये टी स्क्वेयर है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ आएगा साइन इनवर्स, और टी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, और अपॉन में चल रहा है बीटा माइनस अल्फा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सारे कठिन हैं और सब में कुछ ना कुछ आपको ध्यान रखना है, याद करके जाना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है? एक्स माइनस अल्फा को टी स्क्वायर मानना है। अब हम करते हैं सेकंड वाला। जी बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड वाला। सारे मैं ही करवा रहा हूँ, कोई भी आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे कठिन हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में आई मान लो साइन की पावर 6x अपॉन कॉस x। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको याद करके जाना है, रट के जाना है, ध्यान रखना है, कॉस x का मल्टीप्लाई करना है और कॉस x का डिवाइड करना है। तो बच्चों बताओ ऊपर कितना आ गया? साइन की पावर 6x, यहाँ पे आ गया कॉस x, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कॉस x इंटू कॉस x कॉस स्क्वेयर x, और कॉस स्क्वेयर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। अब तो ये क्वेश्चन इजी हो चुका है बच्चों, क्योंकि अब हम साइन एक्स को टी मान लेंगे। अब हम साइन एक्स को टी मान लेंगे, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डी एक्स डी टी। अब वैल्यूज ऊपर पुट कर दो, तो साइन एक्स को टी माना, तो टी की पावर 6 और कॉस एक्स डी एक्स मिलके क्या होगा? डी टी। और अपॉन में क्या चल रहा है? 1 माइनस, और साइन एक्स को टी माना तो टी स्क्वेयर। तो बच्चों इसके बाद तो आपको आता ही है, क्योंकि यहाँ ऊपर की पावर बड़ी है, ऊपर की पावर बड़ी है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। होप इसके आगे आप कर लोगे। तो इसके आगे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमको डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर की पावर बड़ी आ रही है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसके बाद इजी है, डिवाइड ही करना है। और डिवाइड करने के बाद कौन सा लगाना है फॉर्मूला? q प्लस आर बाई डी। तो चलिए बच्चों ये वाला करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार क्या है वो मैं बता दूं। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको रट के जाना है, ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय cos 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड करना है और नीचे भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड करना है। तो करते हैं बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, और आप किससे डिवाइड कर रहे हो? कॉस की पावर 4x से, तो कर दीजिए। और नीचे भी आपने कॉस की पावर 4x से डिवाइड किया, तो नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन की पावर 4x अपॉन में कॉस की पावर 4x, और यहाँ डिवाइड किया कॉस की पावर 4x से, तो कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x, और लास्ट में क्या है? dx। तो बच्चों एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बताइए क्या आएगा? ऊपर आएगा 2 साइन x। अब यहाँ कॉस क्यूब बचा, तो कॉस क्यूब को तोड़ लो, कॉस x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर x। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं ऐसा। और ये साइन बाय कॉस कितना हुआ? टेन की पावर 4x, और ये कट जाएगा तो आएगा बच्चों प्लस 1, और लास्ट में क्या लिखेंगे? dx। तो बच्चों ये तो जय वीरू की जोड़ी है। तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया?
सोचिए बच्चों इसके बाद क्या करेंगे। तो हमारा साइन अपॉन कॉस कितना हो गया बच्चों, तो बच्चों यहाँ टू बाहर आ जाएगा, टू बाहर जाएगा और साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और हम टेन की पावर फोर को क्या लिखेंगे, टेन की पावर फोर को लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है वन। और एक काम करो बच्चों, ये जो टू है इसको अंदर ही लिख लो, बाहर लिखने की जरूरत नहीं, अंदर ही काम आएगा ये। तो ये जो टू था इसको अंदर ले जाओ। अब बच्चों आप टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लो, अब आप टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लो तो क्या आएगा टू टेन एक्स, फिर टेन का करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो बच्चों सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी, और इसको आपने टी माना है तो टी माना है तो टी स्क्वायर हो गया प्लस वन। और बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, उल्टा पढ़ो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है टेन इनवर्स एक्स का और एक्स की जगह क्या है टी और लास्ट में टी की वैल्यू रख दो तो आएगा टेन इनवर्स और टी की वैल्यू क्या है टेन स्क्वायर एक्स। होप आपको ये तीनों कठिन क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनका रिवीजन कर लेना तो याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। इसमें हमें दो क्वेश्चन करना है, तो चलिए बच्चों वन बाय वन करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को पहले तो आई मान लो और सेपरेट कर लो। जी हाँ बच्चों, एक्स क्यूब के अपॉन में भी ये लिख दो, एक्स के अपॉन में भी ये लिख दो और वन के अपॉन में भी लिख दो और इंटीग्रल भी सेपरेट कर दो। तो बच्चों क्या आएगा, एक्स क्यूब के अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर आएगा एक्स के अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर आएगा वन के अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों आपने देखा, आपने इस इंटीग्रल को तीन इंटीग्रल में सेपरेट कर लिया। तो बच्चों पहले वाले को आप आई वन नाम दे दो, दूसरे इंटीग्रल को आप I2 नाम दे दो और तीसरे इंटीग्रल को आप I3 नाम दे दो। अब आप हर इंटीग्रल को सॉल्व करो और लास्ट में तीनों को प्लस कर दो। तो बच्चों पहले हम करते हैं I1। तो बच्चों I1 क्या है, I1 है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर की पावर बड़ी आ रही है। तो होप आप I1 सॉल्व कर लेंगे, तो I1 वाला इंटीग्रल होमवर्क है। तो ये I1 होमवर्क है क्योंकि आपको ऊपर की पावर बड़ी दिख रही है, पावर ऊपर बड़ी आती है तो क्या करते हैं डिवाइड। अब करते हैं बच्चों I2 वाला, तो हमारा I2 इंटीग्रल क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। बच्चों ये भी ईजी है, बच्चों यहाँ नाइन गलती से लिखा गया है, यहाँ पर वन चल रहा है तो यहाँ नाइन की जगह वन आएगा। बच्चों ये भी इजी है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप नीचे वाले को टी पुट कर देना, अगर आप नीचे वाले को टी पुट कर दोगे तो आपका आई टू का इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं बच्चों आई थ्री वाला, तो आई थ्री वाला तो और ही ईजी है। तो बच्चों आई थ्री वाला क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन और वन को क्या लिखेंगे, वन को लिखेंगे वन का स्क्वेयर। तो बच्चों इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर फोर। तो बच्चों इसमें लगा देना फॉर्मूला नंबर फोर, तो आपका आई थ्री का आंसर आ जाएगा। जब तीनों आंसर आ जाए तो तीनों आंसर को इक्वेशन वन में रख देना तो आपका आई का आंसर आ जाएगा। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो करा क्या मैंने, इस इंटीग्रल को सेपरेट कर लिया और तीन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया और तीनों इंटीग्रल की वैल्यू अलग अलग निकाल लो। पहले आई वन का इंटीग्रल सॉल्व कर लो, फिर आई टू का इंटीग्रल सॉल्व कर लो और लास्ट में आई थ्री का इंटीग्रल सॉल्व कर लो और तीनों आंसर को यहाँ रख दो तो आपका फाइनल इंटीग्रल आ जाएगा। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकेंड वाला, अभी हमने फर्स्ट वाला करा, अब हम करते हैं इसका सेकेंड वाला। तो चलिए बच्चों इसका सेकेंड वाला करते हैं। तो बताइए बच्चों इसका सेकंड वाला क्या है, तो बच्चों इसका सेकंड वाला है, तो पहले तो उसको आई मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, इसको आप आई मान लो और सेपरेट कर लो,
और इंटीग्रल भी सेपरेट कर लो तो आई मानेंगे तो आएगा एक्स क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 4-9 प्लस एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4-9। ठीक है बच्चों, अब आप इसको आई वन नाम दे दो और इसको आई टू नाम दे दो। अब आप दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालो। तो पहले हम आई वन की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों बताओ आई वन क्या है? आई वन है एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4-9 डी एक्स। बच्चों इसमें हम नीचे वाले को टी मानेंगे। तो बच्चों बताओ अगर हम x की पावर 4-9 को t माने तो क्या आएगा? 4x क्यूब, इसका 0 हो जाएगा और लास्ट में dx और t का dt, 4 नीचे आ जाएगा। तो x क्यूब dx कितना आ गया? dt अपॉन 4। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जी बच्चों ये वैल्यू पुट कर दो तो आएगा i1 और ये वैल्यू पुट करी तो x क्यूब dx की जगह क्या रखा? dt बाय 4। तो 1/4 बाहर, dt अंदर, और हमने इस नीचे वाले को t माना तो आएगा अपॉन में t। इसका इंटीग्रेशन होता है log t। बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log मॉडुलस t, और t की वैल्यू रख दो तो t की वैल्यू क्या है? x की पावर 4-9। होप आपको आई वन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अब आई टू का आंसर निकालेंगे। जी बच्चों ये किसका आंसर आया? आई वन का। ये किसका आंसर आया बच्चों? आई वन का। अब हम आई टू का आंसर निकालते हैं। तो बच्चों बताओ आई टू क्या है? आई टू है एक्स अपॉन, आई टू क्या है? एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। बच्चों पावर 4 को क्या लिखेंगे? पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वेयर। अब बच्चों आप एक्स स्क्वेयर को t मान लो। अगर आप एक्स स्क्वेयर को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x dx और t का dt। और बच्चों इस 2 को नीचे ले जाओ तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। अब ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो आएगा 1/2 बाहर, dt अंदर, और इसको आपने t माना, इसको t माना है तो यहाँ पे आएगा t स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। और बच्चों बताओ इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? इसमें लगेगा फार्मूला नंबर 4। इसमें लगेगा फार्मूला नंबर 4। तो बच्चों फार्मूला नंबर 4 लगा दो तो बाहर चल रहा है 1/2 और इसका फार्मूला होता है 1/2a। 2a और a की वैल्यू कितनी है? 3। log x माइनस a, तो x कितना है? t, तो t माइनस 3 अपॉन t प्लस 3। बच्चों एक गलती हो गई है, आप पहले t मान चुके हैं तो आप यहाँ पर t नहीं मान सकते, तो आप इसकी जगह u मान लो। ये वही क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन आप t पहले ही मान चुके हो तो आप यहाँ t नहीं मान सकते, तो आप t की जगह u मान लो। तो आप करेक्शन कर लो, तो यहाँ पर u मानेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? du बाय 2। यहाँ पर क्या आएगा? du। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? u। और आंसर में भी क्या आएगा? u। तो u माइनस 3, u प्लस 3। अब लास्ट में वैल्यू पुट कर दो तो बच्चों 6 × 2 क्या आएगा? 12 log, और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, तो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये आई वन का आंसर है और ये आई टू का आंसर है। अब ये दोनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो रख देते हैं बच्चों दोनों आंसर इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो बच्चों ये चल रहा है इक्वल टू में आई आई वन। आई वन का आंसर क्या है? 1/4 log मॉडुलस x की पावर 4-9 प्लस आई टू। और आई टू का आंसर क्या है? 1/12 log मॉडुलस x स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3, और लास्ट में लिखेंगे प्लस सी। ध्यान रखना बच्चों इनमें प्लस सी मत लगाना, इकट्ठा लास्ट में एक ही बार लगाते हैं प्लस सी। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 3 क्वेश्चन है तो मैं स्टार्टिंग के 2 करवा रहा हूँ बच्चों, लास्ट वाला आपको होमवर्क करना है। तो करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले इसको आई मान लो और सेपरेट कर लो। तो जी हाँ बच्चों आई मान के सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा?
3x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ सेपरेट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। बच्चों जरूरी नहीं कि इसको आई वन आई टू मान के अलग अलग इंटीग्रेशन करो, आप साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। वो तो मैंने आपको एक तरीका भी बता दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हो, एक को आई वन मान लो, एक को आई टू मान लो, एक को आई थ्री मान लो, तीनों के आंसर अलग अलग निकाल के तीनों के वैल्यू बाद में पुट कर दो। एक ये भी तरीका है, एक तरीका ये भी है कि आप साथ में ही सॉल्व कर लो, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। बच्चों हम इसमें नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ठीक है। बच्चों हम इसमें नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx और टी का dt, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो एक्स dx आएगा dt/2। तो वैल्यू पुट कर दो तो बच्चों 3 बाहर आ जाएगा और एक्स dx की वैल्यू क्या है dt/2, तो 1/2 बाहर, अंदर dt, और आपने नीचे वाले को t माना है तो आएगा √t, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हम 9 को क्या लिखेंगे, सोचिए बच्चों यहाँ पर हम 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बताइए बच्चों इसका कौन सा लगेगा फॉर्मूला, मुझे तो दिख गया है बच्चों, इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर 6। तो इसमें लगा दो फॉर्मूला नंबर 6, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है log मॉडुलस एक्स, तो बच्चों एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा क्योंकि इसमें भी एक्स ही चल रहा है, एक्स प्लस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ए कितना है 3, तो आएगा 3 स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√t का होता है 2√t, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, और t की वैल्यू भी रख दो तो t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 9, 2 कैंसिल, और ये तो आंसर आ गया है, तो सेम कॉपी कर लो और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस सी। तो चलिए बच्चों हम करते हैं सेकंड वाला, तो ये फर्स्ट वाला आंसर था, हम करते हैं सेकंड वाला, तो लिख लीजिए। तो बच्चों सेकंड वाला तो देखते से समझ में आ रहा है, रेशनलाइज करेंगे। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में हम रेशनलाइज करेंगे, तो अंडर रूट 1 - x 1 + x, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - x 1 - x का। तो बच्चों ईमानदारी से बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा, सोची बच्चों ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पर आई चल रहा है और ऊपर आएगा 1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे तो फॉर्मूला लगेगा a + b a - b a² - b²। बच्चों ये होल स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर चले जाएगा, लेकिन ये रूट के बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, ऐसा होल स्क्वायर होता है तो ये रूट के बाहर जा सकता है, तो बच्चों ये बाहर चले जाएगा तो आएगा 1 - x, लेकिन ये रूट के बाहर नहीं जाएगा, ये रूट में ही रहेगा, तो अंडर रूट 1 - x². बच्चों इसके बाद मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लो तो 1 अपॉन में क्या आएगा, 1 अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 - x², और इधर सेपरेट कर लो तो आएगा एक्स के अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट 1 - x². अब बच्चों मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, हिंट ये है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² किसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का। बच्चों इसकी हिंट ये है, ऊपर एक से नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर, तो आप क्या करो इस पूरे को टी मान लो, 1 को भी ले लो क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अगर आप इस 1 - x² को टी मान लोगे तो आपको एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। होप आपको मेरी हिंट समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसके बाद आप होमवर्क कर लेना, और लास्ट वाला भी होमवर्क है, तो बच्चों इसमें से 36 कॉमन ले लेना, 36 कॉमन ले लेना, और इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर 8। जी बच्चों इसमें लगेगा फॉर्मूला नंबर 8। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।